क्या आप कभी एक शैडो मतलब परछाई देख के डरे हो? मान लो सच में आपके साथ ऐसा हुआ है और फिर बाद में आपको पता चला कि जिस शैडो से आप डरे थे वो तो बस एक पेड़ की शैडो थी। पर फिर क्वेश्चन ये उठता है कि आप बिना जाने कि किस चीज़ का शैडो है आप डर कैसे गए? आप ये बोल सकते हो कि मैंने सोचा कि कोई भूत होगा, पर एक्चुअल रीज़न ये नहीं है, क्योंकि जिस मोमेंट पे आप डरे थे उस मोमेंट पे आप कुछ सोच नहीं रहे थे। वो शैडो एक भूत है ये तो आपने बहुत बाद में सोचा, पर फिर कुछ सोचे बिना कैसे डर गए? तो आप डरे ना अपने ब्रेन के एक हिस्से की वजह से, जिसको अमिगडला बोलते हैं। वो क्या हुआ कि जैसे आपने शैडो देखा आपके ब्रेन तक एक सिग्नल गया और उसी सिग्नल ने ना अमिगडला को एक्टिवेट कर दिया, जिसके एक्टिवेट होने से ही आप डर गए। पर ऐसे तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, क्या तभी अमिगडला एक्टिवेट नहीं होता? तो इसका आंसर है एवोल्यूशन, कि जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं वैसे वैसे उनका अमिगडला भी इवॉल्व हुआ है और उसको पता है कि किस टाइम पे एक्टिवेट होना है। और अगर नहीं तो हो सकता है उस इवेंट से आपकी कोई बुरी यादें जुड़ी हो, इस वजह से आपको डर लग रहा हो। जैसे एक सोल्जर था, जब वो कई सालों बाद जंग से वापस आया अपने घर, तो अक्सर वो नहाने के टाइम ना घबराने लगता था, उसको अजीब सा डर लगने लगे। उसे पहले नहीं समझ में आया कि नहाने के टाइम उसे अजीब सा ये डर कैसे लग रहा है, उसे एंग्जाइटी क्यों फील हो रही है, वो भी नहाते टाइम। फिर उसे बाद में पता चला कि जिस साबुन या शैम्पू का वो यूज़ कर रहा था उसकी स्मेल उसकी तरह थी जब वो जंग पे कहीं था, तो वहाँ से उसकी स्मेल मैच हो रही थी। मतलब जब वो जंग पे था तो उसने कहीं ना कहीं ये स्मेल फील किया था और उसके अमिगडला को तब पता चल गया था कि हाँ, इस पे रिएक्ट करना है, इस पे एक्टिवेट होना है। तो नहाते टाइम जैसे वो साबुन या शैम्पू यूज़ करता था, जब उसकी स्मेल उसको आती थी जो कि उससे मैच होती थी, तो उसका अमिगडला एक्टिवेट हो जाता था, जिससे फिर से उसको डरने लगने लगे। पर ये सब तो फियर की कैटेगरी में आते हैं, और कुछ ऐसे डर होते हैं जो फियर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो फोबिया की कैटेगरी में आते हैं। अब फोबिया भी एक टाइप का फियर ही होता है, पर इसमें कुछ कंडीशन होती है। जैसे हो सकता है कि जिस चीज़ से आप डर रहे हो वो उतनी डरावनी ना हो दूसरों के लिए। जैसे पर्सनली मुझे ट्राइपोफोबिया है, जिसमें मुझे ऐसी चीज़ों को देख के अनकम्फर्टेबल फील होता है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। मतलब जब भी ये मुझे दिखता है तो मेरे को एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है अपनी चेस्ट में, और मतलब मैं नहीं चाहता कि ये डिस्कम्फर्ट मैं और आगे फील करूं, तो मुझे एक डर सा लगा रहता है कि कहीं ये ट्राइपोफोबिया वाली फ़ोटोज़ मेरे को दिख ना जाए। तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मैं उस डिस्कम्फर्ट से डर रहा हूं, जो कि मुझे फ़ील होता है। ऐसे कई अलग अलग तरह के फोबियाज होते हैं। जैसे एक होता है एगोराफोबिया, जिसमें लोगों को ना एक अजीब सा डर लगा रहता है जब वो कहीं बाहर जाते हैं, उनका मन करता है कि बस वापस घर चलो। जैसे जो लोग कॉलेज हॉस्टल पहली बार जाते हैं और उनमें से कोई ऐसा है जिसको एगोराफोबिया है, तो उसे वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगी, उसे लगेगा कि वो कहीं फंसा हुआ है, वो घर नहीं जा सकता वापस। तो इसमें ना आप क्लियरली देख सकते हो कि एक फोबिया जो होता है वो एक नॉर्मल फियर से अलग कैसे होता है। इसका एग्जैक्ट रीज़न तो हमें नहीं पता, बस कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि ये जेनेटिक हो, जेनेटिकली आपके अंदर ट्रांसफ़र होके आ गया हो, या कोई ट्रॉमा के वजह से हो। पर चाहे नॉर्मल फियर हो या फिर फोबिया हो, दोनों में डराने का काम वही अमिगडला करता है, जो ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा होता है। और अब ये देखते हैं ना कि आखिर ये अमिगडला ये सब करता कैसे है। तो जैसे मान लो कि आपने एक शेर देखा अपनी आँखों से, तो जब वो शेर देखने का सिग्नल आपके ब्रेन के वो अमिगडला तक पहुँचा, तो वो अमिगडला उसी टाइम पे एक्टिवेट हो गया। और अमिगडला जैसे ही एक्टिवेट हुआ, वो ब्रेन के एक दूसरे पार्ट को एक्टिवेट कर दिया उसने, जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। और जब ये हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता ना, तो ये एक सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, जिससे एक एड्रेनालिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो कि आपके हार्ट रेट को ना इंक्रीज कर देता है, आपका दिल तेज तेज से धड़कने लगता है इस हार्मोन के रिलीज़ होते ही। और फिर ये जो एड्रेनालिन होता है ना, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी इंक्रीज कर देता है, जिससे आपको एक इंस्टेंट एनर्जी फील होती है। तो जब आप शेर को देख के डरे, तो ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन के अंदर हुई, कि जैसे पहले आपका ब्रेन का अमिगडला एक्टिवेट हुआ, जिसने एक ब्रेन के दूसरे हिस्से को एक्टिवेट कर दिया, जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। और फिर वो हाइपोथैलेमस ने एक एड्रेनालिन नाम के हार्मोन को रिलीज़ करवाया आपके बॉडी के अंदर, जिससे आपके दिल के धड़कने बढ़ गई और आपका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ गया, जिसकी वजह से आपको एक एनर्जी फील हुई और आप तुरंत डर के भाग गए उस शेर से। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं भाग पाओगे, पर वो तो बस मैं बता रहा हूँ कि डरने का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो ऐसे ही ना कोई भी डर हो, एक नॉर्मल फियर वाला या फोबिया वाला, वो मोस्टली ऐसे ही काम करता है। एंड ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।